सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं तथा मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। तो बहनों, आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी का जो भी हड़ताल था अभी रीवा ज़िले में, वहाँ की आप भीड़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने भीड़ थे, कितने लोग तो यहाँ पे सो भी गए थे। बहनों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम चलते हैं मुख्य खबरों की तरफ। मानदेय से रिलेटेड भी बहुत सी खबरें हैं। तो सबसे पहले एक जो है कि ये नोटिस निकला है आंगनबाड़ियों के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, महिला बाल विकास की तरफ से जो नोटिस निकला है, इसको आगे हम थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे कि इसके अंदर है क्या चीज़ें। तो यहाँ पे लिखा गया है, प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, आयुक्त महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला मध्य प्रदेश शासन भोपाल। यहाँ पे जो विषय है ये भी देखेंगे कि ICDS को कमज़ोर करने की साजिश के विरोध में आंगनबाड़ी कर्मियों की जो लंबित मांगों को लेकर 3 मार्च 2023 से एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहने की जो सूचना है, इससे रिलेटेड है। मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि ICDS को कमज़ोर किया जा रहा है आंगनबाड़ी कर्मियों से लेके, और जो उनकी इतनी समय से जो लंबी मांगे हैं आंगनबाड़ी बहनों की, उसको लेके जो भी ये चीज़ें हैं उसके बारे में नोटिस था। इसमें हम आगे अगर देखेंगे बहनों, तो महोदय, बाल विकास विभाग में कार्यरत परियोजना अधिकारियों से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं तक सभी श्रेणी के अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन के न्यायपूर्ण मांगों को सरकार जो है कि वो लगातार अनदेखी कर रही है। जाहिर सही बात है, सरकार की इस रवैये के विरोध में उपरोक्त सभी श्रेणियों की कर्मचारियों, अधिकारियों तथा संगठनों के द्वारा जो है कि 3 मार्च को एक दिवसीय समूह अवकाश लेने पर निर्णय लिया गया था। जाहिर सी बात है, 3 तारीख को, मतलब इतने आंदोलन होने के बाद भी बहनों 3 तारीख को भी एक सामूहिक अवकाश लिया गया था, उस दिन छुट्टी थी। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन मध्य प्रदेश उपरोक्त मांगों एवं आंदोलनों का समर्थन करती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिका एकता यूनियन मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मियों की जो लंबित मांगे हैं, इनका निराकरण इस आंदोलन में शामिल सभी श्रेष्ठ कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मांगों को लेकर हो रही जो भी ये सामूहिक आंदोलन है, उस पर निर्णय लिया गया है। या फिर बहनों, अब सीधे सीधे या मोटा मोटा हम बता दें कि जो भी C2 के द्वारा, मतलब कि सहायिका एकता यूनियन जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, तो उनके द्वारा जो है इस मांग को लेकर अवकाश की घोषणा की गई थी, जो कि 3 मार्च को पूरी हो गई है। लेकिन सरकार को अब ये लगता है कि ICDS को इन लोगों के आंदोलनों के द्वारा कमज़ोर किया जा रहा है। अब बढ़ेंगे कुछ मानदेय खबरों के ऊपर भी बहनों। तो उससे पहले मैं एक चीज़ और भी बता दूं आपको बहनों, कि 5 अप्रैल को होने वाली रैली के विषय में रीवा कमिश्नरी आज हुए कन्वेंस, इसको सफल बनाने के लिए सभी साथी बहनों को जिला कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया। मतलब अब जो अगला आंदोलन है, या आप रैली बोल सकते हैं आंगनबाड़ी बहनों का, वो 5 अप्रैल को है। तो उसके लिए जो कलेक्ट्रेट हैं वो भी कन्वेंस हो गए हैं। यहाँ तक कि उनकी मांगों को सफल बनाने के लिए उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ भी दी गई हैं। एक आंगनबाड़ी बहन का ये भी मैसेज था कि नमस्कार सर, मैं सल्ला बहन, मेरे खाते में 2 तारीख को क्या है कि 2000 रुपये आया, फिर उसके बाद 3 तारीख को भी 3000 रुपये आया, मतलब टोटल 5000 रुपये मेरे खाते में मानदेय आ चुका है। तो बहनों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा अपने को 4500 रुपये मिलते हैं तथा राज्य सरकार के द्वारा 5500 रुपये। ये सिर्फ मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, अलग अलग राज्यों में कुछ और भी हो सकता है। तो मैं सरला बहन जो जिनका ये मैसेज था, मैं उनको ये बता दूँ कि अभी सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा ही आपका आधा मानदेय 5000 रुपये आया है, बाकी का मानदेय अभी आना बाकी है। संयुक्त मोर्चा संगठन के साथ साथ शाजापुर जिले की CDPO, DPO और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 5 मार्च को हड़ताल पर रहेंगे। मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि अप्रैल के लिए आंदोलन है मध्य प्रदेश में, इसी तरीके से शाजापुर ज़िले में भी 5 मार्च को हड़ताल पर रहेंगे। यानी कि आज जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ बहनों, तो आज 5 मार्च है, आज ही के दिन हड़ताल रहेगी। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से 2 चीज़ों पर आज आदेश जारी किया गया है बहनों। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि हर परिवार से एक व्यक्ति को रोज़गार मिलेगा, इस चीज़ के बारे में घोषणा की, बेरोजगारी हटेगी। उनका कहना कि हर एक परिवार से कम एक व्यक्ति को तो रोज़गार मिलना है, बेरोजगारी को हटाना है। दूसरा, जितने भी बेरोजगार परिवार हैं बहनों, उनके सदस्य में जो भी सरकार की नई योजनाएं आती हैं उनसे इनको जोड़ा जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहना है। अब देखिए, एक आंगनबाड़ी बहन का जो रिक्वेस्ट था वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
बहन ने कहा कि नमस्ते सर, एक वर्ष पूरा होने वाला है मोबाइल रिचार्ज का, जो कि हमारी परेशानी ये है कि 249 रुपये में 1.5 GB का एक महीने का रिचार्ज मिलता है। सरकार हमको एक साल का रिचार्ज देती है लेकिन उसका सिर्फ 2000 ही हमको देती है। लेकिन अगर एक साल रिचार्ज करवाने का अगर हम हिसाब में देखें 249 रुपये महीने के हिसाब से, तो 2988 रुपये होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, जाहिर सी बात है कि 988 रुपये हमारे ही लग रहे हैं, मतलब आंगनबाड़ी बहनों को तो अपने जेब से ही देना पड़ रहा है ना। तब इस चीज़ का क्या फ़ायदा जब 2988 रुपये है, मतलब 3000 में कुछ ही रुपये कम है। तो आप सीधे सीधे 3000 रुपये भी सरकार को कर देना चाहिए था। जब 1000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने जेब से ही लगाएगी तो फिर कोई मतलब नहीं है सरकार के सिर्फ 2000 रुपये मोबाइल रिचार्ज के लिए देने का। अब एक अभी आखिरी सवाल पे भी हम जाएंगे बहनों। ये बहुत ही मुख्य खबर आज आ रही है कि अनियमितता के कारण 21 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो है सेवा समाप्त कर दी गई है। जी हाँ, जनवरी और फरवरी में आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि जनवरी फरवरी में 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बर्खास्त किया गया था। जबकि अगर हम सितंबर 2022 से अभी तक में जोड़े तो पिछले 5 से 6 महीने में अब तक 21 कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त कर दी गई है। सरकारी पगार पाने के बावजूद भी जो है कि विभाग का कार्य न करने के अलावा, मतलब वो विभाग का काम नहीं करती थी, यहाँ तक कि वो थोड़ा कुछ फर्जीवाड़े में भी शामिल थी, मतलब कि अन्य अनियमितताओं के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पे तंज भी जो है कि कसा जा रहा है शिकंजा। 6 महीने में विभाग के विभिन्न कारणों के और आरोपों के बाद 21 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो है सेवा समाप्त कर दी गई है। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा जो जहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ बर्खास्त हुई हैं वो विकास खंड अलीगंज है, जहाँ की 9 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ शामिल हैं। विभाग की बदहाल स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी मंशा से शासन की मंशा के अनुरूप विभाग की योजनाओं और ज़्यादा से ज़्यादा पात्रों तक पहुँचाया जा सके, ये सरकार की मंशा है कि उनके विभाग के द्वारा जो भी योजनाएँ आती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। तो कुछ ऐसे कार्यकर्ताएँ थी जो तैनाती स्थल की निवासी नहीं थी, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था फर्जीवाड़े। तो आपको अच्छे से पता है कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उस गांव में कार्यकर्ता तभी बनती है, मतलब वो उस जगह की निवासी है। तो कुछ ऐसे भी स्थल पर आंगनबाड़ी केंद्र पाए गए जहाँ के कार्यकर्ता वहाँ के निवासी नहीं है, उसके बाद भी उनकी वहाँ पर तैनाती है, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर हैं, जिसके कारण भी उनको निकाल दिया गया क्योंकि वो मुफ्त की पगार पा रही थी। तो बहनों, इसी के साथ और भी वीडियो हैं जिनको हम आगे कवर करेंगे। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके ज़िले में आपका जो भी मानदेय है उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। गुड़िया हरे सब पटरा पकड़ती हुई पल्ली पकड़ती हुई नहीं आके एक घंटा का भेद देते जहाँ कहीं चढ़वा जावा चले भाई। तू पके खड़े न होएगी पेड़ आदमी है। हमारे कचन के हो काम के अपने।